Hello students, welcome to Sybil Stapp Himachal and the daily current affairs quiz session. And we hope that कि आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे. So I hope कि आपको जानकारी मिल ही गई होगी. Prelims की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है. So it's a high time to prepare, to focus towards your prelims exam, especially the current affairs part. So students daily made the habit of read current affairs और quiz जो है उनको solve करने की आदत डाली. इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का सेशन. पहला सवाल जो है आपका, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल कम्स अंडर द अम्बिट ऑफ. प्लीज आंसर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर करें पहले सवाल का. और ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन के साथ आप जुड़े ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो पाए आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए. ऑप्शन ए है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर. क्या होगा सही जवाब स्टूडेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए. सी इज द राइट आंसर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भारतीय सिटीजन से यह रिक्वेस्ट की है कि इफ दे हैव सीन एनी केस ऑफ चाइल्ड लेबर इन देयर सराउंडिंग्स, सो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर वो जो है रिपोर्ट करें काइंडली. ऑलराइट, अगर मैं बात करूं पेंसिल की तो इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी भी प्रकार की चाइल्ड लेबर एक्टिविटी की कंप्लेन कर सकते हैं. इफ यू आर आपके सराउंडिंग्स में हो रही है या आप मतलब यू नो द फैक्ट कि कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर की एक्टिविटी हो रही है, तो आप ऑनलाइन जरिए से भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये बड़ा ही एक सही कह सकते हैं इनिशिएटिव है. अगर मैं बात करूं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंसिल, सो पेंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है भारत को चाइल्ड लेबर मुक्त राज्य या देश बनाना. ऑलराइट, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. मुझे आप बताएंगे कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए स्टूडेंट्स. ये आपकी पेंसिल की प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म भी है, आप देख पा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर. ऑलराइट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है. हाँ जी, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट सवाल है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इनिशिएटिव विल बी फंडेड एंड मैनेज्ड बाय. ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डी नन ऑफ द अबव. प्लीज आंसर स्टूडेंट क्या सही जवाब है. बी इज द राइट आंसर, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने तकरीबन 498 करोड़ रुपया जो है, 498.8 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट 500 करोड़ आप कह सकते हैं, जो है सेंक्शन किया है आईडेक्स डीओ प्रोजेक्ट के लिए. आईडेक्स जो है इट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है अंडर द DIO. ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन 2018 में ही बनाई गई है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए ताकि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको और बढ़ावा मिल सके. जनरली वी हैव सीन दैट कि हमारा जो रक्षा बजट होता है, डिफेंस बजट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है. हालांकि पिछले कुछ समय में 33% तक कमी आई है, पिछले अगर एक डिकेड की हम बात करें. ठीक है, क्योंकि हम काफी चीजों को स्वदेशी या कह सकते हैं बहुत से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट, या ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं हम मटेरियल. नाउ वी आर मेकिंग डील्स विद नेशंस फॉरेन कंपनीज की आप हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को, हमारे साइंटिस्ट को ट्रेन करेंगे. ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो भी इक्विपमेंट बिल्ड कर रहे हैं डिफेंस पर्पसेस से या एरोस्पेस के परस्पेक्टिव से, उसमें मदद करेंगे आप. ऑलराइट,
उसी प्रकार का ये एक इनिशिएटिव है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा अपने खुद प्रोडक्शंस कर सकें, ऑल राइट, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस। इसके लिए जितने भी आपकी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं या इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। ऑल राइट, तो एक बहुत फाइन इनिशिएटिव है, फ्यूचर कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं, एक बहुत बढ़िया, ये भारत के लिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, पायरोस्ट्रिया लालजी, अ न्यूली डिस्कवर्ड ट्री स्पीसीज बिलोंगिंग टू कॉफी जेनेसिस हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए असम, बी केरला, सी मेघालय, डी अंडमान आइलैंड्स। क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो डी इज द राइट आंसर, अंडमान आइलैंड्स। अभी रिसेंटली इंडिया के रिसर्चर्स ने विद द हेल्प ऑफ द रिसर्चर्स ऑफ फिलीपींस एक नई स्पीसीज की खोज की है अंडमान निकोबार में, जो कि कॉफी की स्पीसीज है। ठीक है, ये तकरीबन 15 मीटर लंबा पेड़ होता है जो मेनली पाया जाता है मेडागास्कर में, अंडमान रीजन में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है, इसलिए बड़ी बात है। ऑलराइट, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह भी बन जाता है कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में किस कैटेगरी में से रखा गया है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में से शामिल किया गया। सो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे व्हाट इज दिस IUCN। हर दूसरे तीसरे दिन IUCN से संबंधित कोई ना कोई खबर होती है, और मैं हर रोज इसके एब्रिवेशन को, इसकी फुल फॉर्म को बताता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए स्टूडेंट, क्या इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, जो कि जितने भी वल्नरेबल स्पीसीज हैं, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका डाटा रखती है और उस पर किस प्रकार से फर्दर काम करना चाहिए ये हमें गाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनविजन मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज एम्ड एट एक्सप्लोरेशन ऑफ, ऑप्शन ए वीनस, बी मार्स, सी एस्ट्रोनॉट वेनु, डी सैटर्न। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें स्टूडेंट, क्या आपका सही आंसर है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन के साथ जुड़े एवरी डे। सो ऑप्शन ए जो है आपका वीनस, वीनस इज द राइट आंसर। सो अभी क्या है, रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नया टारगेट, एक नया प्रोजेक्ट जो है, जिसे वो 2030 में भेजने वाले हैं, वीनस पर भेजना डिसाइड किया है। नाउ नासा भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, नासा भी इसमें ईएसए की मदद करेगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो टू नो मोर अबाउट द एटमोस्फियर एंड द सरफेस ऑफ द वीनस इज द प्राइम ऑब्जेक्ट। किस प्रकार की गैसेस का कॉम्पोजिशन वहां पर है, किस प्रकार का एटमोस्फेयर आपका वीनस में है, यह जानकारी हासिल करना जो है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। 2030 में यह भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव एट रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस IAU। ऑप्शन ए नागराज अडीगा, के नागराज नायडू, सी राकेश अस्थाना, डी नन ऑफ द अबव। इतना आपको आइडिया हो ही गया कि इंडियन किसी इंडियन को ही मिला है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागराज अडीगा जो है उन्हें रिसेंटली जो है उन्हें रिसेंटली इलेक्ट किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स। अब ये IAU क्या है उस पर भी बात करते हैं। देखिए, जनरली एथलेटिक्स को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली रनिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट जिसमें मैराथन्स हैं या अदर जितने भी एथलेटिक्स इवेंट्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अल्ट्रा रनर्स, बट इससे भी ज्यादा जो टफ आपकी रनिंग इवेंट्स है उसको प्रमोट करने के लिए ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। ऑलराइट, अब इसके तहत जैसे 50 किलोमीटर रनिंग है, 100 किलोमीटर रनिंग है, या 24 आवर्स किलोमीटर रनिंग है, इस प्रकार के इवेंट्स को प्रमोट किया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव इसका यही है प्राइमरली कि भाई लोगों का झुकाव जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ बढ़े, ज्यादा से ज्यादा फिटनेस और हेल्थ की तरफ बढ़े, ऑलराइट, और एथलेटिक्स को भी प्रमोशन मिले। तो ये एक बहुत फाइन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट हुई है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि ये उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है जो एस्टैब्लिश किए गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वन पैन पाइंटर प्राइज 2021? ऑप्शन ए डेविड ड्यूप, बी सिस्टिंग डेंगरम्बा, सी मार्था कुमे, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या आपका सही आंसर होगा इस सवाल का। सो बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। सित्सी डाबरंगा जो है, जो कि एक जिम्बाबियन नोबलिस्ट है, उन्हें इस साल ये अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, अब ये पेन पाइंटर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए। स्पेशली इट इज गिवन टू दोज पीपल दोज हैव शोन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज Despite all the trial and tribulations exist in the society, ठीक है, जब आपके खिलाफ सब सारी चीजें आपके खिलाफ हैं, फिर भी आप अपनी आवाज को बुलंद रखें, तो ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों। सो सित्सी देवरंगा जो हैं यूके में रह रही हैं और वहां पर उन्होंने बहुत से ट्रूथ्स को रिवील किया जो कि मिस हैपनिंग्स हो रही थी समाज में या मिस डूइंग्स हो रही थी सोसाइटी में, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास बहुत बार किया गया। But she has never shown her back to the problems and she faced it. तो इसी को सम्मानित किया गया है ये पेन पाइंटर अवार्ड देके। एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है इनके बारे में, इसी साल 2020 में का जो बुकर प्राइज दिया गया है उसके लिए भी ये नॉमिनी थी, ठीक है, द मॉनरेबल बॉय इनकी किताब थी, उन्हें नॉमिनेट किया गया। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन डिप्लोमेट हैज बीन नेम्ड रिसेंटली टू लीड यूएन ब्यूरोक्रेसी? ऑप्शन ए टीएस त्रिमूर्ति, बी जगजीत पवाड़िया, सी के नागराज नायडू, डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर, के नागराज नायडू। ऑल राइट, तो ये आपके फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशन की जो प्राइम बॉडी है यूएन ब्यूरोक्रेसी, उनका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, उनका इंचार्ज नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि अभी यूएनजी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ऑलराइट, चले, सो ये कुछ सवाल थे जो पिछले कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि some doubts जो आपके pertaining to these newses होंगे वो solve हुए होंगे and you got something new from these newses, और आपकी revision जो है current affairs में उस पर भी मदद की होगी। and मैं again ये कह रहा हूँ students की भाई, अब आपका जो prelims है date आ चुकी है, so अब आपको laziness नहीं show करना है, आपको अपना full 100% देना है इस परीक्षा को qualify करने के लिए। देखिए competition बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, तो आप छोटी सी गलती भी आप पर भारी साबित हो सकती है। और मैं बार बार कहता हूं, करंट अफेयर जो है वो गेम चेंजर का रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। चलिए नाउ समय हो गया है थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मेंस कोर्स के। मेंस कोर्स हमारा प्राइमरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा तो अच्छे से कर चुके हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं इसमें दुविधा है, कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे, तो उनके लिए हमारा ये सुटेबल कोर्स है। इंक्लूडेड 140 लेक्चर्स ऑफ जीएस 1, 2, 3, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अराउंड 1600 पेजेस के, और साथ ही साथ इंटरव्यू तक की जो प्रेपरेशन है मॉक इंटरव्यूज की फॉर्म में वो भी आपको कराई जाएगी इस कोर्स के अंदर, एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। हमारा जो सेकेंड कोर्स है ये 21 जून से शुरू हो रहा है, इट्स एन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 प्लस सीसेट लेक्चर्स, नोट्स आपको 3000 पेजेस से भी ज्यादा के प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज हमारी प्रीलिम्स मेंस की इंक्लूड रहेगी स्टूडेंट्स इसमें, डाउट सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपकी इंटरव्यू तक की जो प्रेपरेशन है इसमें इंक्लूड रहेगी। ऑलराइट, सो अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट एट जस्ट कॉस्ट 22,500 रुपीज।
सो और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेशंस. सो हियर वी कंप्लीट टुडे सेशन स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.